इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटला निरीक्षक अरविंद जैन एवं पुलिस स्टाफ द्वारा थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों पर अभिमन्यु जागरूकता अभियान का शुभारंभ करके कटआउट एवं फ्लैक्स लगाकर व उपस्थित आमजन को महिला अपराध के प्रति जागरूक कर अभिमन्यु शुभंकर के साथ सेल्फी लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया एवं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजन को अभियान से संबंधित शपथ भी दिलाई गई। हम शपथ लेते हैं कि हम कहीं भी कभी भी लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे। हम पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक दायित्वों के निर्वहन में महिलाओं के साथ बराबरी का योगदान देंगे। हम समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे जिससे नारी को उसकी योग्यता के अनुरूप उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसकी शुरुआत हम आज अभी अपने घर से करते हैं। जागरूकता अभियान के दौरान हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार प्रसार भी किया गया। जागरूकता अभियान अभिमन्यु के तहत जिले में दिनांक 19/6/2023 तक अलग अलग प्रमुख स्थानों पर अभिमन्यु शुभंकर के कटआउट से तैयार सेल्फी प्लाइट बनाए जाकर युवकों एवं पुरुषों को जागरूक किया जाएगा। नमस्कार आप सभी को। हमारी भारत सरकार MP पुलिस ने एक अभियान चालू किया है, मैं हूँ अभिमन्यु, जिसमें महिलाओं पे किसी भी तरह का अत्याचार होता है, छेड़खानी होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उस पे आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, निडरता से पुलिस से मदद मांग सकते हैं और विश्वास मानिए मेरा, पुलिस प्रशासन आपकी मदद करेगा। लड़कियों को अब डरने की जरूरत नहीं है, आगे आए, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, आप इन नंबरों पे कॉल करें। ये डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, एक बार सर इस पे जूम कर दिखा दें और आप इनके द्वारा मदद ले सकते हैं। प्रशासन हर रूप में आपकी जानकारी गुप्त रख के, और अगर आप आगे बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं और आपकी बात सुनेगा, समझेगा और उस पे तत्काल एक्शन लेगा। लड़कियों को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे अत्याचार होते हैं, छेड़खानी होती है, रोडों में बच्चियां लड़कियां अकेले निकलती हैं तो उनको छेड़ दिया जाता है, गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है, नशे में लड़के उटपटांग व्यवहार करते हैं, इन सबसे बचने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। लिंग भेद, अशिक्षा, रूढ़ हत्या, असंवेदनशीलता, अश्लीलता, रूढ़वादिता, दहेज और नशा, इससे रिलेटेड या अन्य किसी भी तरह के अत्याचार से रिलेटेड आप पुलिस से मदद लें, प्रशासन से मदद अवश्य लें। हमारा देश, हमारी भारत सरकार स्त्रियों की, महिलाओं के लिए ही है और महिला सशक्तिकरण का अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, वो किसी भी पार्टी की, तो कृपया कर आगे आए और मदद जरूर लें। और भारत सरकार का बहुत 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 धन्यवाद, एक लड़की होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हम सब धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।